Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc, second year, Kanpur University, ये problem differential equation की है. Find the differential equation corresponding to the family of curves y is equal to c, x minus c whole of square, where c is an arbitrary constant, means c एक parameter है. और ये जितने भी arbitrary constant होते हैं, उतने ही बार हमें differential equation को फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो भी गिवन इक्वेशन होता है. तो हमको दे रखा है दी फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है. फैमिली ऑफ कर्व्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी की वैल्यू डिफरेंट देके हम डिफरेंट कर्व्स ऑब्टेन कर सकते हैं जो इस लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, तो एक ही फैमिली के हो जाएंगे. तो सी की वैल्यू बहुत सारी दी जा सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू दी जा सकती हैं, इसलिए इसे फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं. इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको एक बार ही इसका डिफरेंशिएशन करने की इजाज़त है, एक बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर सकते. लेकिन जब डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं तो ऐसा इक्वेशन हमको ऑब्टेन करना चाहिए जिसमें सी ना वहाँ पर ना हो. सी को वहाँ से एलिमिनेट करना होगा, सी को वहाँ से हटाना होगा. सी जब हट जाएगा, हम किसी भी तरीके से मतलब ये इक्वेशन और या डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को लेके इस तरीके से सॉल्व करें कि सी यहाँ से ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए. तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी वही इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व की कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले जो हमें इजाज़त दी गई कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद हम जैसा भी कैलकुलेशन होगा वो करके सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में. तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे. y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy वाई ओवर dx, और यहाँ पर इनटू में c है और c कांस्टेंट है, तो इनटू में जब कांस्टेंट होता है तो बाहर लिख लेते हैं. और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको सिर्फ x मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर का होता है पावर आगे आ जाती है यानी 2, और जितनी भी पावर इसमें उसमें से एक कम हो जाता है. लेकिन ये x नहीं था इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x माइनस c का. तो dy वाई ओवर dx इजिकल टू इस 2 को पहले लिख दें तो 2c हो गया, और x माइनस सी की पावर ये 1 हो जाएगी, और 1 पावर हम लोग लिखते नहीं हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x का तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी हमको dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 2c और x माइनस सी. इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल लेंगे, और सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे ताकि सी एक एलिमिनेट हो जाए और हमको एक्स माइनस सी की वैल्यू यहां से मिल जाए, और फिर हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं ताकि दोनों वैल्यू का इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ कर लें और फिर वहां से सी एलिमिनेट हो जाए और इस फैमिली ऑफ कर्व का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए. तो हम क्या करने वाले हैं, अभी जैसा कि लिखा है इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है डी वाई ओवर डी एक्स और लेफ्ट हैंड साइड है ओनली वाई. तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है 2c इंटू एक्स माइनस सी, और इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है c इंटू एक्स माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर. तो एक c से c ये कैंसिल हो गया और x माइनस सी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर नीचे बच जाएगी. तो जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं dy वाई ओवर डी एक्स अपान वाई इज इक्वल टू ऊपर ये 2 है अपान में x माइनस सी है. तो यहाँ से हम x माइनस सी कोई वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या पलट के भी इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो हम इसमें इसका इधर इंटू करेंगे तो x माइनस सी इंटू हो जाएगा डी वाई ओ डी एक्स. फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका इधर इंटू इधर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस सी की वैल्यू निकालना है.
और हमको वहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में x माइनस वन जब आ रहा है एक फैक्टर, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू को डायरेक्ट रख देंगे तो इससे x माइनस सी इलिमिनेट हो जाएगा। हमें कुल मिला के सी को इलिमिनेट करना है, तो इकट्ठा x माइनस सी इलिमिनेट हो जाएगा इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने इंटू करा था, राइट हैंड साइड में पहुँचाया तो डिवाइड में आ गया। इसे इक्वेशन नंबर को डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं, और x माइनस सी की वैल्यू तो ये वाली रख देंगे इक्वेशन नंबर थ्री से, लेकिन सी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसी इक्वेशन नंबर थ्री से हम सी की वैल्यू को भी फाइंड करने की, इक्वेशन नंबर सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँ और इस क्वान्टिटी को लेफ्ट में पहुँचाएँ, तो ये टू वाई अपान में डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और हमने इसको राइट हैंड साइड में सी पहुंचा दिया, तो सी की ये वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दें फोर, और इन दोनों वैल्यू को यानी एक्स माइनस सी और सी की इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो सी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और हमने एक बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया क्योंकि एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, वो था सी, ओनली वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अकर हियर, सो वी डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम्स दिस फैमिली ऑफ कर्व। सो इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर थ्री ऑफ फोर से इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस सी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर from equation 3 and equation 4 respectively in equation 1. इन इक्वेशन नंबर वन में हम इक्वेशन थ्री से और फोर से, इक्वेशन थ्री से एक्स माइनस सी की वैल्यू, इक्वेशन फोर से सी की वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, या डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन टू वन थ्री एंड फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन को देख रही है जहाँ पर भी नज़र आएगा हम वहाँ पर इसकी सी की वैल्यू लिख देंगे, जो कि है एक्स माइनस टू वाई अपान डी वाई ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद है एक्स माइनस सी, और एक्स माइनस सी की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी हुई है जो कि है टू वाई अपान डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन ये यहाँ पर एक्स माइनस सी का था होल आप स्क्वायर था, तो इक्वेशन नंबर वन में तो हम भी यहाँ पर इसको होल आप स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, जिस तरीके से ये अपान में इस एक्स के भी अपान में वन कर दीजिए, और यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा वन, और इसका एलसीएम यही हो जाएगा, मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, तो इसका इधर इनटू हो जाएगा एक्स के साथ में, तो एक्स इनटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर यानी टू वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा जो कि फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर यानी डी वाई ओवर डी एक्स इसका भी होल आप स्क्वायर हो जाएगा। ये अपान में जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमको डी वाई ओवर डी एक्स का होल आप स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट में पहुँचाएंगे तो इधर जो डिवाइड हो रहा लेफ्ट में जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो इसका वहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही, चलिए ये बात में कैलकुलेशन कर देते हैं, इसका देर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई ओवर डी एक्स के होल अब स्क्वायर का, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर चल रहा है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और यहाँ पर एक ध्यान नहीं दिया हमने कि इसकी ये दो पावर ये और एक अपान में ये भी है, ये दोनों चूँकि अपान में है दोनों तो इंटू होके पावर थ्री हो जाएगी, तो इस थ्री पावर को उधर ले जाएंगे तो वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स की पावर थ्री कर लीजिए, तो आपको अगली स्टेप में थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा नहीं तो फिर अगली स्टेप फिर बढ़ जाएगी। तो अब जब चूँकि हमने इसके साथ इसको मिला दिया है पावर को कलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ न्यूमरेटर में हमारे पास यही बचा हुआ है यानी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई, तो हम अगले पेज पर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्स माइनस टू वाई अपान नहीं क्या था एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस माइनस टू वाई ऐसा था, तो माइनस टू इसे समझ लीजिए और वाई ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में था फोर वाई स्क्वायर, उस फोर वाई स्क्वायर को भी यहाँ पर लिख लीजिए, फोर वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस y की एक पावर इस वाली
को एक पावर को कट कर देगी, दो पावर हैं इसमें से एक कट गई, एक बचेगी यहाँ पर, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो बचा हुआ उसको लिख देंगे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें फोर और वाई की एक पावर, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। वैसे तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आ गया क्योंकि सी को हमने एलिमिनेट कर दिया और एक ही बार एक ही फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्योंकि सी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो वन टाइम्स एक ही था यानी वन था, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर भी आ गया जैसे हमने यहाँ पर सी को एलिमिनेट किया तो आ गया, लेकिन इसको अच्छे फार्म में डिनोट करने के लिए हम लोगों ने इतना सॉल्व किया और इसको यहाँ तक ले आए। और दूसरे फार्म में लिखना चाहें तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस 4x का अंदर इसमें इंटू करेंगे तो 4xy और dy वो dx हो गया, माइनस का इंटू यहाँ करेंगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा dy ओवर dx का क्यूब। तो एक आंसर ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, या इसको अगर हम लेफ़्ट में पहुँचाएंगे तो अभी माइनस का है, लेफ़्ट में पहुँचाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इस टर्म को अगर लेफ़्ट राइट में पहुँचाएंगे तो इसका भी साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ क्यूब। तो इतना भी छोड़ा जा सकता था, इतना भी, और ये भी आंसर हो गया। ज़्यादातर आपको आंसर जो है बुक्स में जो है इस फार्म में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ तक ले आए। अगर माना यहाँ छोड़ देते जैसे पहले तो आपको तब तक ये और हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा, तो आप जब लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, मींस वहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ पर सी एलिमिनेट कर लिया आपने, लेकिन हाँ इस बार में अगर छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन अगर जैसे कि हमारा ये न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पर ये आ चुका है, तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, इस बार में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।